जी नियम के बड़े पक्के थे, उनका सोने जगने का सबका समय निश्चित था। तो उनके सहायकों से कहा कि हम बापू से मिलना चाहते हैं, गांधी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बापू तो सोने चले गए, आप कल आइएगा। वो मतलब करते क्या, वो रात को इसी 26 अलीपुर रोड दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंचे। रात्रि का समय था, 12-1 बजे का समय था। उनके उनके सहायक से पूछा कि बाबा साहब से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर रात को अध्ययन करते थे, सबसे ज्यादा पत्र लिखते थे, सभी एजेंसियों को पत्र लिखते थे, सभी संबंधित विषयों पर पत्र लिखते थे, लेखक का काम करते थे। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। उन्होंने अपना लेखक का काम समाप्त किया, उन ब्रिटिश पत्रकारों को बुलाया और ब्रिटिश पत्रकारों को बुलाने के बाद अपनी बात को रखा। उसी संवाद के अंदर उनकी लगभग बातचीत हुई, बातचीत के बाद जाने लगे। जाते जाते उन्होंने प्रश्न किया, कहते बाप डॉक्टर अम्बेडकर हम जिन्ना से मिलने गए तो वो सो रहे थे, हम बापू से मिलने गए, गांधी से मिलने गए तो वो सो चुके थे, लेकिन तुम अभी भी रात को काम कर रहे हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही वो बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। उन्होंने कहा मित्र उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं क्या। तो मित्रों इस बात का ध्यान रखना, अगर आज फिर सो गए तो यह आरक्षण आपके मुंह से आपके हाथ से छीनने वाला है। मैं पूरा अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो आरक्षण के लिए जो विषय रखा है वो निश्चित तौर पे रहेगा। महासम्मेलन आरक्षण लागू रहे और ये तब तक रहे जब तक हमारा शैक्षिक सामाजिक और राजनीतिक विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।